आज हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली आपके बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में है। दोनों ही खबरें ऐसी हैं जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए आपको बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसका असर हमारे देश के 30 लाख बच्चों पर पड़ेगा। में पढ़ने वाले बच्चों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में 1 अरब यानी 100 करोड़ से ज्यादा बच्चे 2 साल पहले तक स्कूल जा रहे थे, लेकिन उसके बाद कोरोना आया और सबसे पहले अलग अलग देशों की सरकारों ने दुनिया भर में स्कूलों को ही बंद किया, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल था और वो सही भी था। छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाना उस समय बहुत जरूरी था। दूसरी चिंता भी बच्चों से ही जुड़ी थी कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया और पिछले 2 साल से ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और इन पर लगातार दुनिया भर में स्टडीज की जा रही हैं। अब एक ऐसी नई रिसर्च सामने आई है जो भारत पर केंद्रित है, क्योंकि दुनिया में स्कूल जाने वाले जितने बच्चे हैं उनमें 25 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चे भारत में रहते हैं। अमेरिका की एक एजेंसी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने यह पता लगाने के लिए एक रिसर्च किया कि कोरोना के कारण स्कूल बंद होने का बच्चों पर क्या असर हुआ, और इस रिसर्च में जो सबसे बड़ी बात पता चली वो ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक ज्ञान मिलना बंद हो गया है।